हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राज है। अभी अभी जो आपने सीन देखा, दरवाजे का अपने आप खुलना, मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो शायद वो डर जाएं। मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो कोशिश उनकी ये होगी वो डरे नहीं, और ऐसा क्यों हुआ है इसकी इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले तो ये देखना है कि ये किसी फिजिक्स के कॉज के कारण हुआ है, क्या रूम में एयर फ्लो बहुत ज़्यादा था जिस कारण ऐसा हुआ। पहले तो कोशिश होनी चाहिए, स्केप्टिकल होकर बंदा सोचे कि ऐसा हुआ क्यों है, इसमें इसके पीछे ज़रूर कोई साइंस है। और जब आप हर कुछ कर लें और जब आप किसी भी तरह के कंक्लूज़न पर नहीं आ पाते हैं इस कारण के, तो लास्ट में एक कॉज आता है इसका, पैरानॉर्मल। मेरे साथ दो तीन रात पहले ऐसा ही हुआ, और पहले तो मैं हैरान रह गया क्योंकि मैंने अपने घर पर पहली बार इस तरह का कुछ ऑब्जेक्ट में मूवमेंट या मैनिपुलेशन देखा है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो कि इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे। और ये जो दरवाजे की मूवमेंट वाली जो वीडियो अभी आपने शुरू में बिगनिंग में देखी, इसे हमने रिक्रिएट किया था। बिल्कुल उसी तरीके से दरवाज़ा ये खुला था और उसी तरीके से ये मूव किया था। कि दो दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि यूजुअली मैं जल्दी सोता नहीं हूँ, लेकिन उस रात मैं जल्दी सो गया और मेरी नींद अचानक सुबह 4 बजे के करीब खुल गई। और फिर पानी पीने के बाद जब मैं अपने बेड पर सोया था तो मेरे सामने एक दरवाज़ा है, तो उसका स्लाइडिंग डोर अपने आप खुला था और वो हिला भी था। इससे पहले कुछ आवाज़ आई थी किचन से बर्तन की, तो ये किसने किया था? क्या जनाब वो आप थे क्या? जनाब वो आप थे? जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि ये जनाब आप ही हो सकते हैं। ये भी फैक्ट है कि अभी करीब 30 दिन हो गए, ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए कि मैंने यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया, जो कि इससे पहले थोड़ा रेगुलर टाइप से था। तो क्या जनाब वो आप थे? एक बार मैं जानना चाहूंगा कि क्या जनाब वो आप थे? मुझे मैं इस केटू से तो ज़्यादा कंफर्म नहीं हो पाता हूँ। अगर मेरे जो ये सामने पे आयर लाइट रखी, अगर ये जल जाए तो इससे मुझे कुछ इंडिकेशन मिलेगा। और मैंने ये भी देखा है कि जब भी मैं यहाँ कम्युनिकेशन करता हूँ तो मेरे सामने जो पेड़ है, और आज उसी की तरफ मैंने लाइट प्रोजेक्ट करके
मेरा लाइट लगाने का मकसद ये है कि मैंने कई बार देखा है कि जब भी मैं यहाँ पर कम्युनिकेशन करता हूँ तो मैंने कई बार चमगादड़ की मूवमेंट देखी है यहाँ पर बैट की। क्या वो हो सकता है? क्या वो पॉसिबल है? अगर होगा तो आज मैंने कुछ ऐसा सेटअप रखा है कि वो दिख जाएगा। भी जैसा कि हम काम कर रहे हैं आईपीएस में, मैं और सिद्धार्थ, क्या आप हमारे काम से अभी संतुष्ट हैं? क्या आप हमारे काम से सेटिस्फाइड हैं? थैंक यू सर। और मैं अकेला इन्वेस्टिगेशन कैसा करता हूँ? सर एक पर्सनल बात पूछूंगा सर, इसे मैं पब्लिश नहीं करूंगा कहीं पे भी। क्या आपकी उस दिन ये नहीं पूछूं, अगर आप चाहते हैं कि इस बात को मैं डिस्कस ना करूं तो चौथी बत्ती जलाकर दिखा सकते हैं मुझे? ठीक है सर, मैं नहीं पूछूंगा। काश सर इस चीज़ को मैं YouTube पर पब्लिक कर पाता। चलिए इसे तो मैं कट करूँगा, हम कुछ और बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। चलिए सर एक सिगरेट पीते हैं पहले। ये सेशन बंद किया जाए सर? नहीं सर, मुझे थोड़ा काम करना है, दिवाली के सेल्स का काफ़ी रश चल रहा है, टेंशन काफ़ी चल रहा है सर। सर मुझे एक बार कोई इंडिकेशन दे दीजिए जिससे मैं कंफर्म हो जाऊं कि वो जो स्लाइडिंग डोर खुला था वो आपने किया था। अगर आपने किया था तो सर मुझे कोई इंडिकेशन दीजिए, चाहे ये लाइट जले, चाहे इस पे चौथी बत्ती जले या ट्राईफील्ड। सर अगर आपने किया था तो ये चौथी बत्ती आप जला सकते हैं। चौथी बत्ती कोशिश कीजिए सर।